सो गाइज, आज हम उगाने वाले अपने फसल को सिर्फ और सिर्फ जैविक खाद का उपयोग करके, क्या हमारा प्लान सक्सेस रहेगा? तो आइए और जुड़िए हमारे साथ ऑर्गेनिक गार्डनिंग पार्ट वन। और ये रहे कुछ हमारे हथियार जिससे हम करने वाले इस पूरे खेत की सफाई। लेट्स गो, हम क्या कर पाते हैं और कितना हो पाता है। ऐसे तो हम खाद में बहुत सारे खाद का वैराइटीज़ का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ और सिर्फ यूज करने वाले हैं गोबर खाद, यानी जैविक खाद। लेट्स गो। हम साफ सफाई करने के लिए इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। ये है हमारा पार्ट वन, जिसको कि हम इस वीडियो में साफ करने वाले हैं। ये रहा पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, जिसको साफ करेंगे नहीं, अरेंज करेंगे, जिससे हम करने वाले हैं इस पूरे खेत की सफाई। लेट्स स्टार्ट। गाइज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर हैं। यहाँ पास में बांस का पेड़ है, इसलिए बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं। गाइज, हमें इसको इसके जड़ के साथ निकालना होता है। ये है भिंडी का प्लांट, जिसको अभी हमने साफ किया है। अब चलिए इसकी सफाई करते हैं। अभी एक बच गया है, निकली सारी। मच्छरों का आतंक बहुत ज्यादा है गाइस यहाँ पर। Thank you.
अपना गोबर खाद इसे इसे मिलाते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जैविक खाद का उपयोग करने वाले हैं क्योंकि हम इस वीडियो को बना रहे हैं 100% ऑर्गेनिक। चला शुरू कर जाओ, इसको पूरे खेत में फैलाना पड़ेगा हमें। लेट्स गो। और जैविक खाद में यह है गाय का गोबर और भैंस का गोबर। गोबर लेने से पहले आप लोग एक सावधानी जरूर रखिएगा क्योंकि इसमें सांप बिच्छी कुछ भी हो सकता है, सो बी केयरफुल। अच्छा कोई दिखा होगा, इसमें एक कीड़ा है, इसको हमारे भाषा में कन्वर्टर बोलते हैं, तो काम चला जाता है। लेट्स सी। मच्छरों ने मार डाला आज मेरे को। कृषि से जुड़ना युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद है, इससे उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से कोई तनाव नहीं होता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, स्ट्रेस नहीं होता है और भी बहुत सारी बीमारियों से वो स्वस्थ होते हैं। आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज की जगह आप अगर एग्रीकल्चर से भी जुड़ते हैं तो बहुत फायदेमंद होता है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस चीज़ को करना पसंद करेंगे क्या नहीं। हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में है तो उसे छोड़िएगा मत। और भी कई फायदे हैं, जैसे कि हमें अपने घर की ताज़ी सब्जियां, ऑर्गेनिक चीज़ें मिलेगी, ताज़ी हवा, यानी अगर आप काम करते हैं तो सनलाइट भी तो ताज़ी मिलेगी ना, इसलिए शारीरिक रूप से आप वैसे भी स्वस्थ रहेंगे। अब दूसरा काम देखते हैं और क्या रहा आज का वर्क। लेट्स सी। दिस इज माय थर्ड वर्क, यहाँ से स्टार्ट होता है। आज मैंने इसकी सफाई की है, गिर गया था गाइस चारों तरफ से। ये रही हमारी तुलसी माता का प्लांट, पत्थर चूर का प्लांट, इसको अरबी बोलते हैं शायद, उसी के पत्ते हैं। एक क्यूट से फ्लावर, हाउ क्यूट। लेट्स गो। यही रही हमारी आज की वीडियो। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस जर्नी से जुड़े रहिए। धन्यवाद।